20 साल 30 साल दिल्ली में जो ये अनप्लांड डेवलपमेंट हुआ है, इस अनप्लांड डेवलपमेंट को मोर एंड मोर रेगुलराइज किया जा रहा है, और जो मोर और मोर रेगुलराइज किया जा रहा है उससे मोर एंड मोर अनप्लांड डेवलपमेंट फर्दर ट्रिगर हो रहा है। जब अनप्लांड डेवलपमेंट होता है तो उसमें उस किसी भी एरिया में सिविक एमिनिटीज प्रोवाइड करने के लिए हमें बहुत परेशानी आ रही है। उसमें ना बिजली की लाइन के लिए जगह है, ना पानी के ड्रेन के लिए जगह है, ना कूड़ा के कलेक्शन के लिए कोई सिस्टम बनाने के लिए जगह है। ऐसे अनप्लांड डेवलपमेंट में जब भी हम सिविक एमिनिटीज प्रोवाइड करने जाते हैं तो वहां पे हमें प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा आती है, फंड कंस्ट्रेंट्स की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे मुझे जैसे मान लीजिए कूड़ा कलेक्ट करना है तो कूड़ा कलेक्ट करने के लिए कोई एक ट्रांसफर पॉइंट की जरूरत पड़ती है कि जहां से घर से आएगा और फिर ट्रांसफर पॉइंट में होके बड़े ट्रक में डिस्पोजल पे जाएगा, तो वो ट्रांसफर पॉइंट के लिए भी जगह नहीं है मेरे पास। जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन बनती है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन क्योंकि कॉलोनी पहले बन गया उसमें स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है, उसकी कभी लेवल प्लानिंग नहीं हुई। जब लेवल प्लानिंग नहीं हुई तो उसमें पानी भरता है, वहां पे कॉलोनी में पानी भरता है, रोड टूटती है, उसी रोड के ऊपर हम और के ऊपर और रोड बनाते जाते हैं तो रोड ऊंची होती जाती है, फिर घर नीचे हो गए, रोड ऊपर हो गए। सो एक हमारे यहाँ मुझे जो लगता है कि जो पिछले 20 और 30 साल में हमारे यहाँ दिल्ली में अनप्लांड डेवलपमेंट जो हुआ है और जो उसको रेगुलराइज करने से उसके जो आफ्टर इफेक्ट आए हैं, आज की डेट में भी मुझे अनप्लांड डेवलपमेंट रोकने में एक सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि लोगों के मन में एक ऐसा भावना आ गई है कि ये तो रेगुलराइज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।